हे दोस्तों, क्या आप इंस्टाग्राम में अपना ऑनलाइन ग्रोथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आपने स्टार्ट तो कर दिया बट वो ग्रो नहीं कर रहा है? तो आज की वीडियो में आपको ऐसे 9 वे बताने वाला हूँ जिससे आप इंस्टाग्राम में अपना ऑनलाइन ग्रोथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो, या आपने अगर स्टार्ट कर दिया है तो आप उसको ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन ग्रोथ बिजनेस स्टार्ट करो इंस्टाग्राम में, सबसे पहले अपना टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट कर लो। अब बात आती है कि भैया टारगेट ऑडियंस किसको बोलते हैं। तो अपन सबसे पहले तो टारगेट ऑडियंस समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मान के चलते हैं आप योगा का प्रोडक्ट बेचते हो, यानी योगा के जो पैंट्स होते हैं, योगा के जो क्लोथ्स होते हैं, उसमें आप डील कर रहे हो। तो आपके जो टारगेट ऑडियंस रहेंगे वो कौन रहेंगे? नॉर्मल सी बात है, ऐसे लोग रहेंगे जो योगा करते हैं, राइट? तो वो आपके टारगेट ऑडियंस रहेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि भैया एज स्पेसिफिक हम किस किस को प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मोस्टली जो योगा करते हैं ना, वो 20 से 30 साल के बीच में आते हैं, फिर 20 से 35 साल के बीच में आते हैं। तो हमारे जो मेन टारगेट ऑडियंस रहेंगे, जो कि फर्स्ट पोजीशन में रहेंगे, वो रहेंगे 20 से 35 साल के अंदर, जो योगा में इंटरेस्ट रखते हैं, फिर योगा करते हैं, राइट? ये हमारे रहेंगे टारगेट ऑडियंस। तो सेम चीज हर बिजनेस में अप्लाई होता है। आप अगर किड्स के क्लोथ्स बेचते हो तो आपके टारगेट ऑडियंस किड्स तो नहीं रह सकते, उनके जो मदर्स रहेंगे या फिर उनके फादर्स रहेंगे, वो आपके टारगेट ऑडियंस रहेंगे, राइट? और ऐसे पर्सन रहेंगे जिनके किड्स है, राइट? तो आपका जो बिजनेस है उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, आपको सबसे पहले वो ढूंढना पड़ेगा। तो आप जब टारगेट ऑडियंस अपना सिलेक्ट कर लेते हो, देन आता है कि भैया हम इंस्टाग्राम में बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के बाद उसको हम ग्रो कैसे करें। तो उसके देखो 9 सबसे बेस्ट टिप्स है जो कि हर कोई अप्लाई करता है। तो सबसे पहला जो है वो है दोस्तों, पोस्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। दोस्तों, आप जो भी इमेज अपलोड करोगे उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है? लो क्वालिटी की इमेजेस आप मत डालो। साथ ही साथ जो इमेजेस की बैकग्राउंड रहेगी वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वाइट बैकग्राउंड में इमेजेस वगैरह डाल दे रहे हो। उसमें क्या होता है, इंस्टाग्राम एक तो उसको पुश नहीं करता है, साथ ही साथ लोग वैसे प्रोडक्ट पसंद नहीं करते देखना, ठीक है? आपके पास अगर ऑप्शन है कि बैकग्राउंड में बहुत अच्छा पोस्टर दिख रहा है, उसमें प्रोडक्ट लटका हुआ है, या फिर एक सफेद टेबल के ऊपर आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो आप कौन सा ज्यादा चूज करोगे? नॉर्मल सी बात है, जो दिखने में ज्यादा अच्छा लगेगा आप वही प्रोडक्ट बाय करोगे, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी प्रोडक्ट की जो इमेजेस हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी बैकग्राउंड अच्छी हो, और वो रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, आप फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हो तो बैकग्राउंड में फिटनेस से रिलेटेड कलर्स रहने चाहिए, फिर फिटनेस जैसे वो प्रोडक्ट दिखने चाहिए। तो जब भी आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी HD होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, कस्टमर को एक तो पसंद आता है, सेकंड चीज क्या है, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो उसको पुश करती है। सेकंड है दोस्तों, यूज द राइट हैशटैग। अब देखो दोस्तों, दिक्कत क्या होता है पता है, लोग ना हैशटैग गलत चूज करते हैं। हैशटैग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो जाके आप देख सकते हो, वहां पे मैंने पूरी डिटेल में हैशटैग के ऊपर वीडियो बनाया था। तो जब भी आप प्रोडक्ट डालते हो तो उसका जो हैशटैग है वो सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप योगा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स डाल रहे हो ना, तो आपको हैशटैग भी योगा से रिलेटेड होना चाहिए। उसमें आप फैशनेबल मत डाल देना, या फिर आप किड्स वेयर के हैशटैग्स वगैरह वहां यूज मत कर लेना। उसमें क्या होता है, आपकी जो ऑडियंस है वो बिगड़ जाती है, और प्लस जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम होती है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि भैया ये कर क्या रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है, वो खुद कंफ्यूज हो जाता है, और इंस्टाग्राम आपके ऑडियंस को वो प्रोडक्ट सही से नहीं दिखा पाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे ऊपर में टॉप में देखोगे बहुत सारे कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहे हैं जो कि इंस्टाग्राम अपलोड कर रहा है, ठीक है? इंस्टाग्राम समझता है कि भैया जो इमेज है वो कौन से कैटेगरी का है। तो आपको कैटेगरी अगर आप सही रहोगे, हैशटैग अगर आप सही रखोगे, तो इंस्टाग्राम को भी समझ आएगा और वो ऑडियंस को भी सर्व करेगा, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि आप हैशटैग सही से डालो। थर्ड है दोस्तों, कैप्शन। देखो यार, बहुत लोग है जो ना सिर्फ बहुत क्या है, सभी लोग ऐसे हैं जो ना सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं और ना कैप्शन नहीं लिखते हैं। अब एक बात आप समझो, अगर आप कैप्शन नहीं लिखोगे, कैप्शन क्या होता है, वर्ड्स होता है, और इंस्टाग्राम वर्ड्स को समझता है, वो इमेज को नहीं समझता। एक मशीन इमेज को कैसे देख सकती है, राइट? एक मशीन इमेज को समझ नहीं सकती है। उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम वहां पर डालने पड़ेंगे जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट होता है वो एल्गोरिदम, यानी इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिदम होती है, इंस्टाग्राम की जो मशीन होती है, वो पढ़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से आप कैप्शन लिखो। एक देखो, कैप्शन से क्या होता है, एक तो जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम है वो समझती है, सेकंड चीज क्या है, कैप्शन में ना फील होता है, ठीक है? आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो तो आपके जब ऑडियंस या फिर आपके कस्टमर जब कैप्शन को देखेंगे ना, तो उसको फील होगा। लाइक अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई शूज वहां पे डाला है और आपने कैप्शन में शूज के बारे में सारी चीजें लिखी है, जब आपका ऑडियंस शूज के बारे में पढ़ेगा ना कैप्शन से, तो उसको फील आएगा कि हाँ ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड शूज है। लाइक सॉफ्ट है, तो आपने जो कैप्शन में लिखो कि भैया ये शूज बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, रनिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या हो जाता है, डबल वेरिफिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं स्पोर्ट में हूं, मैं नहीं हूं बता रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल मैं स्पोर्ट में हूं और मुझे एक सॉफ्ट शूज चाहिए, तो अगर मैं कैप्शन पढ़ूंगा ना कि मुझे सॉफ्ट शूज तो चाहिए ही था और ये सॉफ्ट है भी कैप्शन में लिखा है, ठीक है? तो बहुत जरूरी है कि आप कैप्शन लिखो। उसमें क्या होता है, आपकी ऑडियंस भी बहुत अच्छे से समझती है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम की जो मशीन है वो भी बहुत अच्छे से इसको वेरीफाई कर लेती है। फोर्थ है दोस्तों, इन्वेस्ट वीडियो कंटेंट। अब देखो यार, इमेज से ना आजकल काम नहीं चलता, आज दुनिया चल रही है वीडियोस में, सारे लोग वीडियोस में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करके आपके प्रोडक्ट की आप वीडियोस वगैरह बनाओ, जो प्रोडक्ट है उसके वीडियो बनाओ। अब देखो, उसमें सबसे बेस्ट क्या होता है, आप कोई मॉडल को हायर कर लो,
ठीक है, अब मॉडल बहुत महंगा हो जाता है, तो यार सबके कोई ना कोई फ्रेंड होता है जो शक्ल से तो अच्छा ही होता है, ठीक है। ग्रुप में अगर पांच लोग हैं तो पांच में से एक फ्रेंड तो है जो शक्ल से अच्छा ही दिखता है, तो यार उसको पहनाओ, उसको पहन के फोटो क्लिक करो। करने के बाद बहुत सारे टूल्स आ गया यार एडिट करने का, तो आप एडिट करो, एडिट करके वीडियोस को अच्छा बनाओ और उसको आप पोस्ट करो, ठीक है। तो वीडियो में थोड़ा सा खर्चा करो। अब देखो आपके पास पैसा नहीं है तो आप टाइम इन्वेस्ट करो यार, आप अगर टाइम लगाओगे, खुद वीडियो बनाओ, खुद एडिट करो, सीख लो ना, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस है, वहाँ से सीख लो कैसे रील्स बनाना है, ठीक है। तो अपने क्लोथ्स के आप वीडियोस बना के अपलोड करो। उसमें क्या होता है, आजकल रील्स में ना बहुत ज़्यादा व्यू आते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा व्यू आते हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए भी है, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट बेची यूट्यूब के थ्रू, तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो सारे वीडियोस जाके वे देख सकते हो। वो सारे वीडियोस में मैंने यही बोला है कि भैया वीडियो में कॉन्सेंट्रेट करो, इमेज वाले दिन गए, अब टाइम आ रहा है वीडियोस का, ठीक है। तो इमेज तो चलो ठीक है, आप कर रहे हो करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट साथ में यार वीडियो में चले जाओ, ठीक है। वीडियो फॉर्म में जो कंटेंट होते हैं ना उसकी बिक्री ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप वीडियो में इन्वेस्ट करो और अपने जितने भी प्रोडक्ट है उसकी वीडियो बनाओ, बनाने के बाद आप रील्स में डालो, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स में डालो, तो यार प्रोडक्ट की बिक्री जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एल्गोरिदम भी, मैं बार बार एल्गोरिदम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भैया इंस्टाग्राम हमारे बाप का है नहीं, ठीक है, इंस्टाग्राम है मार्क ज़ुकरबर्ग का, ठीक है। वो अभी चाहता है कि भैया मेरे प्लेटफॉर्म में रील्स चले, और वो जो चाहता है ना आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है, अपना है नहीं वो, उसका है तो उसके हिसाब से अपने को चलना है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ भैया रील बनाओ, क्योंकि मार्क ज़ुकरबर्ग खुद चाहते कि भैया उसके प्लेटफॉर्म में अभी रील ही चले, ठीक है। आज के टाइम आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आप नीचे कॉमेंट में बताओ आप इमेजेस अभी ज़्यादा देखते हो या रील ज़्यादा देखते हो इंस्टाग्राम में, ठीक है, कॉमेंट में ज़रूर बताना। आप आज के टाइम मोस्टली लोग रील्स ही देखते हैं, इसलिए आप रील्स में ही वो चीज़ें डालो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की वीडियोस बना के आप वहीं पर डालो। बार बार मेरा हाथ माइक में टच हो रहा है, शायद साउंड में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, नया माइक है, यूज़ करना नहीं आता मेरे को, ठीक है। फिफ्थ है दोस्तों स्वाइप। अब देखो यार इंस्टाग्राम की जो स्टोरी साइड है ना, जो स्टोरी है वहाँ पे पहले जो 10,000 फॉलोवर्स होता था उसी को स्वाइप बटन मिलता था, बट आज के टाइम आपके पास अगर जीरो फॉलोवर्स तो भी आप वहाँ पे अपनी लिंक डाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, स्टोरी में अपनी प्रोडक्ट की वीडियोज़ डालो या फिर प्रोडक्ट की इमेजेस डालो, और वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की या फिर अपनी व्हाट्सएप की लिंक डाल दो, जो एक बार क्लिक करेगा और आपके व्हाट्सएप में मैसेज आ जाएगा ये प्रोडक्ट मुझे बाय करना है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में डालने के बाद, इंस्टाग्राम स्टोरी में डालने के बाद उसको आप हाईलाइट में डाल दो, तो उससे क्या होगा, कोई अगर स्टोरी भी देख रहा है ना आपका, हाईलाइट जो स्टोरी होता है वो भी देख रहा है, तो वहाँ भी क्लिक करके आपको डायरेक्ट डीएम कर सकता है कि यार मुझे प्रोडक्ट बाय करना है। तो यार जितनी सारी चीज़ें मिलती है उसकी फायदा उठाओ। अभी मेन यूएस वगैरह में चलता है कि प्रोडक्ट की जो टैग, प्रोडक्ट टैग जो चलता है वो यूएस में चलता है, इंडिया में आया था बट अभी बंद है। तो प्रोडक्ट जैसे ही आ जाएगा तो आप प्रोडक्ट टैग भी यूज कर सकते हो, कि इमेजेस के ऊपर ही क्लिक करोगे तो सीधा आपके वेबसाइट में वो आ जाएंगे और डायरेक्ट वहां से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट टैग अभी इंडिया में है नहीं, पहले था, अभी कुछ टाइम के लिए शायद बंद है, आ जाएगा, कहा ही जाएगा, तो जब आ जाएगा तो उसको यूज़ करना, जब तक नहीं आता तब तक आप यार स्वाइप का यूज़ कर लो। यहाँ पे सिक्स है दोस्तों इंगेज विथ पोटेंशियल कस्टमर। अब देखो यार हमारी गलती क्या है पता है, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो डाला, फॉर एग्जाम्पल मैं एक शूज़ का वीडियो डालता हूँ, डालने के बाद वहाँ पे थोड़े बहुत लाइक्स आते हैं, आने के बाद ना मैं उस लोगों से ना इंगेज नहीं करता, इंगेज इन द सेंस क्या होता है, उनके प्रोफाइल में चेक नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर शूज़ डालता हूँ, कोई अगर मुझे लाइक करता है ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके प्रोफाइल में जाके देखूँ कि भैया बंदा कौन है, ठीक है, वो हमारा ऑडियंस है, तो वो किस टाइप का बंदा है, उसकी वो किस टाइप का क्लोथ पहनता है, उस वो मैं अगर शूज़ का बिजनेस कर रहा हूँ तो वो शूज़ किस टाइप का पहना है वो मुझे देखना चाहिए। देखने के बाद उसकी प्रोफाइल में मुझे लाइक करनी चाहिए, जब मैं उसके प्रोफाइल में लाइक करूँगा तो वहाँ से इंगेजमेंट बढ़ेगी, ठीक है, वो देखेगा ये चीज़ें कि भैया कोई ब्रांड है जो मुझे लाइक कर रहा है, यानी मेरी प्रोफाइल को लाइक कर रहा है, फिर मेरी इमेजेस को लाइक कर रहा है। तो इससे क्या होती है, आपके जो कस्टमर है उससे रिलेशन बनती है, इंगेजमेंट बढ़ती है, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, कोई भी आपके प्रोफाइल में आपको फॉलो कर रहा है या फिर आपके वीडियोज़ को लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो यार आप उसको फॉलो करो। मैं एक चीज़ देखा हूँ, लोगों के अंदर ना एक पता नहीं घमंड है क्या है, मुझे समझ नहीं आता, जैसे ब्रांड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई ब्रांड है, मुझे अगर कोई फॉलो कर रहा है ना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे फॉलो बैक करूँ, उसमें मेरा कुछ, मेरे कोई पैसे नहीं जा रहे, कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जब आप उसको फॉलो बैक करोगे ना तो उससे क्या होता है, एक रिलेशन बिल्ड होती है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भैया मैं एक ब्रांड हूँ, आप सच में तो अभी ब्रांड बने नहीं हो ना, आप तो बन रहे हो ना, तो यार उसको फॉलो बैक करो, क्या दिक्कत है, है ना, आपके घर से तो कुछ नहीं जा रहा, तो यार आप उसको फॉलो बैक करो, इससे क्या होता है रिलेशन बिल्ड होती है। बाद में भले उसको अनफॉलो अप कर देना, है ना, 3-4 महीने बाद, 1 साल बाद आपको जब लगे कि नहीं यार मुझे और लोगों को फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स फॉलो मैंने कर लिया है, तो फिर आप कुछ लोगों को अनफॉलो कर सकते हो। बट यार कोई आपको फॉलो करता है ना तो फॉलो बैक करो ना उसको, आपके पैसे तो नहीं जा रहे उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें करो यार, आप इंगेज करो यार, जो आपको फॉलो करो उसका इंगेज करो, रिलेशन बिल्ड करो, ठीक है। आपको सर्व करना है, जब तक आप सर्व नहीं करोगे आप पैसे नहीं कमाने वाले, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप सर्व करो, तो कोई आपको लाइक करता है तो करो यार लाइक बैक करो, फॉलो करते यार फॉलो बैक करो, पैसे नहीं जाते उसमें,
ठीक है। सेवन है दोस्तों रन अ कॉन्टेस्ट। अब कॉन्टेस्ट क्या होती है, वो होती है गिव अवे। देखो यार सिर्फ ना धंधा करना नहीं होता, अपनी ना ब्रांड भी आपको बनानी पड़ेगी। जब तक आप अपना ब्रांड नहीं बनाओगे ना तो यार लोग ना आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, और ब्रांड तभी बनेगा जब आप थोड़े बहुत गिव अवे करोगे। आपके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आप कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह रखोगे, उनको अपने अपने ब्रांड के साथ इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, एप्पल को देख लो भैया, एप्पल को गाली दे दो तो उसके जितने कस्टमर आपको लौट के गाली दे देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक रिलेशन बिल्ड करना है, कॉन्टेस्ट रखना है, उनको हिस्सेदारी बनानी है अपने बिजनेस का। ठीक है, गिव अवे रख दिए, फॉर एग्जाम्पल शूज़ का बिजनेस है तो आप एक शूज़ रख दे रहे हो कि भैया गिव अवे है, 1000 रुपये का शूज़ है, और आपके जितने फॉलोवर्स है उनको आप बता दो कि ये गिव अवे है, अपने 3 फ्रेंड को टैग कर दो और इसको अपने स्टोरी में डाल दो, और एक हफ्ते बाद हम विनर जो होगा उसको हम ये फ्री में देंगे। ठीक है, फ्री में जब आप दे दोगे, जो पर्सन जीतेगा उसको जब आप दोगे, देने के बाद उसको आप बोलना भी कि ये भैया आपको ये जो प्रोडक्ट मिला है इसको हाथ में पकड़ के एक वीडियो बना दो, एक रिव्यू बना दो कि क्वालिटी वगैरह कैसे है। जब वो रिव्यू बनाएगा उसको ले जाके अपने इंस्टाग्राम में डाल दो। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो गिव अवे से बहुत ज़्यादा लोग आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, आपके जो फॉलोवर्स हैं वो नए फॉलोवर्स खींच के लेके आएंगे, साथ ही साथ कमेंट करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की जो इमेज है उसकी इंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके ब्रांड की इंगेजमेंट बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आप अगर प्रोडक्ट जब किसी को दोगे और उसका जब रिव्यू आएगा तो ट्रस्टवर्दी भी बढ़ जाएगा, लोग जानेंगे कि नहीं सच में ये प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, हर कोई करता है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी ये सारी चीज़ करती है, गिव अवे वगैरह करती है, आप देखती भी हो इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब वीडियोस में भी, यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग गिव अवे प्रोग्राम रखते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें करो। ठीक है, कंजूसी मत करो, 1000-1200 धंधे में लगाने में आप कंजूसी बिल्कुल मत करो। ठीक है, तब को लगाना ही पड़ेगा। ओके, 8 है दोस्तों रीच आउट विथ इन्फ्लुएंसर। अब देखो यार आपका जो ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल आपका योगा का ब्रांड है, आप योगा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स डालते हो, तो आपको इंस्टाग्राम में ढूंढना पड़ेगा कि योगा के इन्फ्लुएंसर कौन है जो योगा से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, उनसे जाके आप कांटेक्ट करो और उनसे जाके आप डील करो कि भैया मेरे जो प्रोडक्ट्स है उसको आप अपने इंस्टाग्राम में प्रमोट करो। ठीक है, उसके लिए कुछ पैसे वो लेंगे, आप कुछ पैसे उनको दे देना। ठीक है, जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल योगा का प्रोडक्ट अगर आप देते हो योगा के इन्फ्लुएंसर को, तो उसके जो ऑडियंस होंगे वो सारे योगा वाले होंगे, तो वो आपके पेज में आएंगे और आपसे योगा का प्रोडक्ट बाय करेंगे। ये जो स्ट्रेटेजी है ये मार्केट में बहुत नई तो नहीं बोलूंगा, बट 2 साल से बहुत ज़्यादा चल रही है और ये लाइफ टाइम चलने वाली है। ठीक है, यूट्यूब वीडियो में देखोगे बहुत लोग आके बोलते हैं, कॉइन DCX की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाएगी आपके ब्रांड को। ठीक है, इससे आपके इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पा सकते हो। तो आपका योगा का प्रोडक्ट है तो ऐसे बंदे ढूंढो जो योगा से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और वो जब आपका प्रमोट करेंगे तो उनके ऑडियंस भी आपको फॉलो करेगी और आपसे प्रोडक्ट बाय करेगी। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर के साथ आप कॉन्टेक्ट करो। 9th है दोस्तों बिकम एन इन्फ्लुएंसर इन योर इंडस्ट्री। देखो दोस्तों आपका जो भी प्रोडक्ट है ना उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ। आपका अगर शूज़ का धंधा है ना तो यार शूज़ के धंधे में आप एक्सपर्ट बन जाओ। योगा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ और उससे रिलेटेड चीज़ें भी पोस्ट करो। ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ आप योगा से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप कुछ पोस्ट नहीं करोगे, सिर्फ आप इमेजेस वगैरह डालोगे योगा के प्रोडक्ट्स के, नहीं, उसके साथ साथ आपको टिप्स भी डालना है। फॉर एग्जांपल योगा के लिए कौन सा टाइम सही होता है, कौन कौन से पोजीशंस होते हैं योगा के। ठीक है, मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं योगा का, तो मुझे जो समझ आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, योगा के जो सबसे बड़े इंस्टीट्यूट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो कौन से हैं। ठीक है, योगा से रिलेटेड जो बेनिफिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल योगा करने से डिप्रेशन कम होता है, ठीक है, एंजाइटी कम होती है, तो कौन कौन से प्रॉफिट होती है, वो सारी चीज़ें भी आप पोस्ट किया करो टाइम टू टाइम। ठीक है, सिर्फ अपना प्रोडक्ट भी मत भेजते रहो, साथ में आप प्रॉफिट भी दो। आपका जो ऑडियंस है ना उनको सिर्फ आप सामान मत भेजो, उनको आप बेनिफिट भी बताओ कि योगा के फायदा क्या है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा ना उससे रिलेटेड आप फायदा भी बताओ और उस चीज में आप एक्सपर्ट बन जाओ। फॉर एग्जांपल आपका मतलब अभी भी लोग बोलेंगे भैया हमारा साड़ी का है तो साड़ी में क्या प्रॉफिट, मतलब साड़ी से रिलेटेड हम क्या बोल सकते हैं। तो देखिए यार साड़ी के कौन कौन से क्वालिटी होती है, ठीक है, उसके बारे में बोल सकते हो, या फिर उसकी जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड चीज़ें पोस्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल साड़ी से रिलेटेड आपने पोस्ट किया कि सबसे पहला साड़ी इंडिया में कहाँ बना था, ठीक है, तो हो सकता है लोग उस पर बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे या फिर उसको शेयर करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा आपका जो ब्रांड है वो दूसरों तक पहुँचेगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है यार, आप जो भी प्रोडक्ट में डील करते हो ना उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक आपको मिल ही जाएगा जब आप ढूंढोगे। आप ढूंढोगे नहीं तो नहीं मिलेगा भैया, ना ढूंढने वाले को कुछ नहीं मिलता दुनिया में, ढूंढने वाले को पूरा जगत मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आप अगर ढूंढ लोगे ना तो सब मिलेगा आपको। तो जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा उससे रिलेटेड आप टॉपिक निकालो और उससे रिलेटेड पोस्ट वगैरह बना के भी आप डालो। उसके लिए कैनवा आप यूज़ कर सकती हो, ठीक है, बहुत अच्छा टूल्स है, उसको भी यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा उससे रिलेटेड पोस्ट वगैरह भी बना के आप डालो, कंटेंट वगैरह बना के डालो, उससे क्या एंगेजमेंट बढ़ेगी। अब इसमें मैं बेवकूफ़ को बोलूँगा, बेवकूफ़ में जाओगे तो उन लोग मस्त मीम्स वगैरह बना के डालते हैं,
ठीक है, और जोमेटो वगैरह उन लोग भी डालते हैं, जोमेटो हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो ये सारी चीज़ें करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर इंस्टाग्राम में ग्रो करना है तो मैंने जो 9 चीज़ें बताई, ये 9 चीज़ें आपको करना पड़ेगा। 9 में से कौन सा आप कर रहे हो पहले से नीचे कमेंट में बताना, या फिर कौन से टॉपिक के बारे में आपने पहले सोचा था वो भी आप कमेंट में बताना, या फिर कोई दिक्कतें आ रही है आपको और अच्छे से जानना है तो नीचे यार कमेंट आप ज़रूर कर देना। साथ ही साथ इंस्टाग्राम में आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया है dzprakash.in जो कि मेरा यूज़र नेम है, तो भैया इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहाँ से जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। तो इस वीडियो को दोस्तों यहाँ खत्म करेंगे, वीडियो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बहुत सारे वीडियो मैंने पहले बनाया है जो कि नीचे आप देख पा रहे हो, तो यार वो सारे वीडियोस जाकर भी देखना। सब्सक्राइब नहीं को भैया कर दो, और शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिसको ज़रूरत है, ठीक है। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर।